नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में, पिथौरागढ़ के कंगुलिहार जीआईसी खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय महाकाली महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। समापन के मौके पर प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता महरा, लोक गायिका माया उपाध्याय, पंजाबी गायक CDS भट्टी, पन्नू गोसाई, विनोद आर्या और मसकबीन दिल्ली की टीम द्वारा महोत्सव में कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति देकर स्थल पर जुटी भीड़ को थिरकने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। महोत्सव समिति की सचिव श्वेता महरा ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव में कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी सहित देश के अन्य प्रांतों संस्कृति से लोगों को परिचित होने का अवसर मिला। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ मिस पिथौरागढ़ और मिस कंगुलहाट प्रतियोगिता भी कराई गई। महोत्सव के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी संदेश दिया गया। महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर महाकाली महोत्सव आयोजन समिति द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। प्रणाम, नमस्कार पैलाग। और महाकाली महोत्सव का आज दूसरा सीजन था और बहुत अमेजिंग रहा। लोगों ने बहुत सहयोग किया और मशकबीन स्टार्स नाइट हुई है। मशकबीन स्टूडियो का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने सारे कलाकार, यानी कि उत्तराखंड के बेस्ट सुपरस्टार्स जो थे, वो सभी हमारे शो में आए और हमारे शो को बहुत बड़ा बनाया गया। साथ ही साथ GDD स्टूडियो, यानी कि मेरा जो डांस स्टूडियो है, वहाँ उसकी तरफ से फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया लड़कियों के लिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और वो अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली काम कर पाए। मिस गंगोली हार्ट 2023 और मिस पिथौरागढ़ आइकन 2023 दोनों हुआ और दोनों के विनर्स भी रहे और बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छा। साथ ही साथ दिल्ली से और ना जाने अलग अलग जगह से बहुत सारे कलाकार आए जिन्होंने इसमें भाग लिया और हमारी जो गंगोली हार्ट की ऑडियंस है उनको बहुत एंटरटेन करा। तो सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और रावल गाँव समिति का भी, जिन्होंने ये इनिशिएट लिया और मुझे इस प्रकाशी जनपद से टनल हादसे की बड़ी अपडेट व अच्छी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार सुरंग में फंसे श्रमिकों तक एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा पहुंच गया है, जिससे सुरंग के अंदर से पहला वीडियो जारी किया गया है। वीडियो के माध्यम से सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। सिलक्यारा सुरंग में चल रहे रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। मंगलवार आज एक खुशी की खबर मिली है, जिसके तहत सुरंग के अंदर का पहला वीडियो जारी किया गया है और सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सुरंग के भीतर से जारी वीडियो व सभी के सुरक्षित होने की खबर से फंसे मजदूरों के परिजनों ने राहत की सांस ली है। इधर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की बात कही है। बीते दिवस एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। सुरंग के अवरुद्ध हिस्से में 6 इंच की पाइपलाइन बिछाकर सेकेंडरी लाइन बनाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग पूरी कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी पाइपलाइन के द्वारा फंसे श्रमिकों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के प्रयास किए गए। शाम लगभग 4:30 बजे NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलखो, जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला और टनल के भीतर संचालित रेस्क्यू अभियान के प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 9 दिनों से चल रहे रेस्क्यू की इस पहली कामयाबी के बाद श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के प्रयास लगातार जारी है। सुरंग में फंसे श्रमिकों के जीवन रक्षा के लिए अब तक 4 इंच की पाइपलाइन ही लाइफलाइन बनी हुई थी। अब तक सेकेंडरी लाइफलाइन के तौर पर 6 इंच व्यास की पाइपलाइन मलबे के आर पार बिछा दिए जाने की बात श्रमिकों तक बड़े आकार के सामग्री और खाद्य पदार्थ तथा दवाइयां आदि सामग्री उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। इस दौरान उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने परियोजना और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सुरंग का निरीक्षण कर रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया और सेकेंडरी लाइफलाइन बनाने के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर रेस्क्यू में जुटे लोगों की सराहना की। मेरे ख्याल से पहली बार मैं आपको स्माइल करते नजर आ रहा हूँ, इसलिए कि हमने पहला ब्रेक थ्रू जो पिछले 9 दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हम एक लाइफलाइन वाली जो नाली है वह स्थापित कर लें, तो आपको मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 6 इंच की पाइप अभी ब्रेक थ्रू हमें मिल गया है। 53 मीटर वो उस तरफ है और वहाँ से लोग हमें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अभी हमारा कार्य अगला होगा
कि जैसे ये पाइप के अंदर से जो हमारी ड्रिल बिट गई उसे निकाला जाएगा और सबसे पहले जो हमारा कार्य है उनको उनसे फिर से संपर्क साथित करके देखा जाएगा कि बीच में कोई अड़चन तो नहीं है, और उसके बाद हम फूड और बाकी जितने भी उनकी मेडिकल तरह की सुविधाएं हैं, दवाइयां हैं, वो हमको उनको प्रोवाइड करेंगे। और प्रशासन की तरफ से क्या चीज़ किया जा रहा है इसके बारे में मैं ये आपको बताएंगे। सर, इंग्लिश सर, बताया कि जो 6 इंच का जो पाइपलाइन है वो पार हो गया है, तो अभी मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनका हमने उनसे भी राय मशवरा किया है, तो उसके अनुरूप भी जो खाद्य सामग्री आदि उसको देने के लिए परामर्श लेकर ही दिया जाता है। So I'll congratulate my team, especially Colonel, the one who is sitting right with me, Colonel Patil, or of course हमारे DM साहब, he has been involved right from the day one, सुबह शाम रात entirely we worked effortlessly and हमने we have not you know left any stone unturned। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरी टीम को जिनने अथक प्रयास करते हुए we have succeeded and we congratulate my team sitting here and in the tunnel and in the camp. So this is the breakthrough, the first breakthrough we were expecting for last 9 days, but because of some hurdles, small or big, we are not able to achieve. But let me tell you, the other plan A, B, C or 1, 2, 3, 4 is still going on. There is relentlessly they will work and we'll try to look at all options which have already been explained in previous briefings. Thank you. Length kitna length kitna sir length kitna pura mamle ko bataiye Colonel Patil aap bataiye. Yes ji, the same thing which was told in which the doctor is hindi mein jo cheez doctor saab ne batayi hai, dikkaton ka samna karna pada aapko 9 din pure lage isme samne kaisi dikkatein aayi aapko? Dekho abhi ye sirf hamara food pipe gaya hua hai jo lifeline 2 hai, abhi main to hame लड़कों को बाहर निकालना है ना, तो 900 जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें जरूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कितनी देर लगेगी सर वहाँ पहुँचने में? क्या भेजेंगे इस पाइपलाइन के जरिए? लिस्ट बनाई है डीएम साहब के, डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया हुआ है, वही फूड हम बना रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है, उसके लिए एक ट्रे बन रही है, वो मॉडिफिकेशन के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है NDRF के लिए, प्लस मेरे जो फैब्रिकेटर्स हैं वो उसको ऑलरेडी बैठ के बना रहे हैं। कितनी देर बाद? उसके लिए हम बोतलें ला रहे हैं कुछ प्लास्टिक की जो कि सिलेंड्रिकल होगी और जिसका मुंह बड़ा होगा, जिससे हम उसमें सामान भर सके, उसको हम बनाना भेजेंगे, एप्पल के टुकड़े भेजेंगे, हम उसमें दलिया भेजेंगे, खिचड़ी भेजेंगे और जो सब, तो उनका पेट खराब ना हो। जो भी चीज़ भेजी जाएगी पहले डॉक्टर की सलाह ली जाएगी और फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि 6 इंच के पाइप में क्या क्या चीज़ सर। 9 दिन बाद वो कौन सा खाना अभी जो स्टार्टिंग रहेगी उसमें सबसे बेहतर रहेगा, वो सारे ऑप्शन ऑलरेडी कर्नल पाटिल ने आपसे रिसर्च कर लिया। जो ऑगर है उसका कहाँ तक हो गया सर? कौन सा ऑगर? जो नाइन दैट इज 23 मीटर्स राइट नाउ, इट इज स्टक बिकॉज ऑफ अ बिग बोल्डर एंड वी विल फाइंड वेज एंड मींस टू गेट इट डन। I promise you that we will deliver. उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।